हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन फायर एश वर्जन, जहाँ पे गए थे पिछली बार हम लोगों ने यार दोस्तों बचा दिया था यहाँ पे ग्लेडियन की माँ को एंड जो की थी यहाँ पे ल्यूजेविन। यहाँ पे गाइस यार उनको जो है यहाँ पे किडनैप करके हुआ था, गाइस यार हमने देखा था कैसे उनको किडनैप किया था एंड लेटर ऑन दैट गाइस यार हमने लिली के साथ भी बैटल कर दिया। सो यस आज मैं जाने वाला हूँ एंड यस उसी दौरान जो है हमारे दोस्तों दो पोकेमोन इवॉल्व हो चुके थे जो कि थे गाइस यार टोरा कैट एंड इन द लिंक रॉक दो ऑफिशियल वंस। यहाँ पे अपने पोकेमोन जो है वो और भी यहाँ पे ट्रेनिंग करते जा रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं यहाँ पर भी स्कूल में जाने वाला हूँ। यस स्कूल में जाने का वक्त आ चुका है बट बिफोर दैट गाइस यार यहाँ पर मैं मंचला कैसे आया मुझे कोई आइडिया नहीं है एंड यस यहाँ पर आप लोगों के कमेंट में आज मैंने पढ़े हैं मुझे क्या क्या करना है वो करने वाला हूँ। तुम कैसे हो ध्रुव? आई होप कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मूव इन करने आई हूँ। ओके बर्नेट कुछ मुझे अंदाजा नहीं है यहाँ पे बर्नेट कोने करके। सो लेट्स गो गाइस शायद इनकी वाइफ होगी बट यार मुझे कोई भी आइडिया नहीं थे कि यहाँ पे दोस्तों प्रोफेसर कोके की शादी भी हुई है। बड़ा मुझे लगा कि यार अपने प्रोफेसर ओक के साथ वो भी बैचलर होंगे, मतलब कि यार प्रोफेसर ओक भी यहाँ पर अपने रिसर्च के ऊपर ही काम करते रहते हैं एंड मुझे लगा कि प्रोफेसर कोके भी यहाँ पे अपने स्कूल के ऊपर ही काम करते रहते हैं तो बैचलर होंगे बट नहीं उनके भी यहाँ पर शादी हो चुकी है। सो जो तो इनका पर्सनल मैटर है वो देख लेंगे। सो चलो यार यहाँ पर अपनी सीट ले लेते हैं देखते हैं। ल्यूजेविन और मैंने खूब सारी बातें की और हमारे पास तुम्हारे लिए सब स्पेशल ऑफर है। तुम्हारे सबने ब्रेव एक्शंस की वजह से मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे चांस दे रही हूँ टू बिकम द अल्ट्रा गार्डियंस। तुम्हें उन्हें हंट करना होगा अल्ट्रा बीस में और वो सब पॉपअप होंगे अलोला में और वो तुम्हें फाइंड करें और उन्हें तुम्हें मदद करनी होगी उनके घर वापस भेजने में। आई नो कि ये तुम सब कर सकते हो और उसी के साथ अपना फर्स्ट वन है ऑलरेडी हमें स्पॉट हो चुका है वो तुम्हें मेले मेले मिडो में मिल जाएगा। ओके बिस्ट बॉल शायद तुम्हारी पकड़ने में उन्हें मदद करेंगे। लुजामिन उन्होंने सब कुछ बेचने के लिए रख दिया है। ओके सो बेचने के लिए रख दिया बट हम उन्हें खरीदने नहीं वाले हैं। ओके तो वो रहा वो बंदा जो हमें बाय करने में मदद करेगा बट आज के एपिसोड में नहीं खरीदने वाला हूँ। जो जो हमें मिलेंगे ना गाइजर उन सभी को जो है मैं यहाँ पे अल्ट्रा बॉल्स के साथ नहीं मास्टर जो अल्ट्रा बीस्ट बॉल्स मिले उनके साथ नहीं मास्टर बॉल्स के स्क्रैच करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्टीज नहीं होगी उन सब चीज़ों से सेम ही होंगे गाइस। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है बस अगर मैंने उनके साथ उनके सामने जो है अटैक दे दिया ओके वो आपने पी के चुका तो वो डाउन हो जाएंगे एंड हम उन्हें फिर से कभी कैच नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द रीज़न यहाँ पर मैं उनको जो है यहाँ पे विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन से यहाँ पर मैं उन्होंने अपने मास्टर बॉल्स के साथ ही कैच करने के लिए जाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए ना गाइस यार आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए जाने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यार यहाँ पर मुझे सबसे पहले जाना है वेस्ट पोनी कैनियन की तरफ ताकि गाइस यार आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि यहाँ पर हमें सोलर गियर को हम पकड़ सकते हैं। सोलर गियर हो या कुछ तो नाम है उसका यार मुझे याद नहीं है बट आगे चलकर मुझे पता चल जाएगा। सो यस यहाँ पर मैं उसी के में आ चुका हूँ। आई डोंट नो कि इसे आज ने अपने पार्टी में रखा था कि नहीं सोल गैलियो को तो मैं इसका क्विज भी रख देता हूँ कि ऐश ने इसे में पार्टी में रखा हुआ था कि नहीं। मैं आज इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ अपने लेआउट में आने वाले दो दिन में नहीं करूँगा। आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना आज का पोकेमोन का आंसर भी दे देना एंड हाँ यार मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि आज एंड कल के जो विनर्स होंगे ना वो सीधा अनाउंस हो जाएंगे एट दी पोकेमोन थर्ड जो अभी कितना नंबर चल रहा है हमारा नंबर 115 चल रहा है 117 को जो है गाइस यार जो जो यहाँ पर विनर्स होंगे ना दो दिन के उन सभी को जो होंगे गाइस यार यहाँ पर मैं शाउट आउट दे दूंगा सीधा। शाउट आउट नहीं मतलब कि उनके यहाँ पर फीचर हो जाएंगे वो सब एंड सीधा 115 के 117 के नंबर एपिसोड के लिए। अभी फिलहाल नहीं होंगे गाइस यार क्योंकि दो दिन में जो है यहाँ पे मतलब कि प्री शूट कर रहा हूँ। यस सर डेट के पहले ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि गाइस यार बाय द टाइम ऑफ द इस अपलोडिंग वीडियो मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ जहाँ पर मेरा सेटअप है सब जहाँ पर मैं वीडियो अपनी शूट करता हूँ एंड कुछ भी लेकर नहीं जाने वाला हूँ मैं। दैट इज द रीज़न कि मैं यहाँ पे जो हूँ गाइस यार मैं अपनी सबसे पहले यहाँ पर पहले शूट कर दे रहा हूँ यहाँ पर अभी जो है वो ऑनेस्टली बताता हूँ मैं आप लोगों को कि गाइस यार यहाँ पर जो है अभी 30 दिसंबर है एंड मैं मंडे वाले ट्यूजडे वाला एपिसोड आज ही शूट कर रहा हूँ। तो सो सॉरी फॉर दैट गाइस यार क्योंकि मैंने पहले ही कहा था एज यूजुअल मैं यहाँ पर एक एंड दो तारीख को यहाँ पर नहीं हूँ तीन दो तारीख को आने वाला हूँ एंड दो तारीख को यार मैं रेस्ट करूँगा तो वीडियो तो यार नहीं आ पाएगी इसलिए मैंने वीडियो ऑलरेडी जो है वो शेड्यूल कर दी है गाइज दैट इज द रीज़न। यहाँ पर आप लोग मिल पाएगा ठीक 10 बजे वरना जिस लोकेशन से यहाँ पर मैं अपलोड करता एंड देन शेड्यूल करता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता था वहाँ पर नेटवर्क भी इश्यू है। सो यस हमने पकड़ लिया गाइज बजवोल अमिश्यूट लाइफ फॉर्म कॉल अल्ट्राबिस्ट विटनेस है सॉ इट्स पलोराइज तो यस हम इसे पकड़ लिया है। सो लेट्स हेड बैक होम इट लुक्स लाइक द अल्ट्राबिस्ट इज टेकन केयर ऑफ इट।
तो चलो यार, शायद आज के लिए बस एक ना ही था, मतलब कि अल्ट्रा बीस्ट का पोकेमोन की कैचिंग। तो फिलहाल के लिए गाइस ना, एंड हाँ यार, ये बातें जो है वो लागू होती भी है आने वाले मतलब कि मंडे एंड ट्यूजडे के एपिसोड ऑफ दी पोकेमोन ओमेगा रूबी। मंडे जैसे यार सारे के सारे जो है फिर से अपना काम भी अच्छे से चलूंगा मैं। जनवरी महीना आप लोगों को थोड़ा सा टॉलरेट करना होगा मेरी वीडियोज़ के मामले में, जी प्री अपलोड हो सकती है एंड दी मिस भी कर सकता हूँ मैं शेड्यूल, तो क्योंकि यार एग्जाम्स भी आ रहे हैं एंड सब बाहर का मुझे काम अभी कंप्लीट करना होगा एंड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो शायद मतलब कि वीडियोस आ भी सकती है जल्दी, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, 50-50 चांसेस है यहाँ पर, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। तो चलो यार ओके, आज भी चाहता हूँ तुम रॉयल एवेन्यू में पार्टिसिपेट करो और एक्सपीरियंस करो वहाँ के वाइल्डलाइफ में, वो पेनुला रंच के इस साइड पर होगा। ओके तो रॉयल एवेन्यू यहाँ पे शायद कुछ तो खुला हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे गाइज यार चेकआउट करने के लिए जाने के लिए यहाँ पे मतलब कि ये कर दिया है गाइज यार, कह सकते हो कि रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो, रिक्वेस्ट नहीं यहाँ पे गाइज यार, एक कह सकते हैं अपने दोस्त के नाते बोलना, तो अपने कजन के नाते यहाँ पर उन्होंने बता दिया है हमारे लिए कि पेनुला रंच में यहाँ पर हमें एक रॉयल एवेन्यू ऑप्टेन एक्टिव ये करना है, अटेंड करना है, तो मैं उसी को अभी यहाँ पे करने के लिए जाने वाला हूँ सीधा। तो फाइनली जो है यहाँ पे इसके सारे के सारे मिल्क टैंक यहाँ पे गाइज मूव ऑन हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सो यस, हम आ चुके हैं गाइज रॉयल एवेन्यू में, देखते हैं गाइज यहाँ पर। एंड हाँ हाँ हाँ, वेलकम टू द सीजन 22 ऑब्वियसली गाइज, मैंने थंबनेल में तो डाल दिया है सीजन 22, बट यहाँ से ही अपना सीजन 22 स्टार्ट होता है। एंड यस, ये अलोला रीजन का अपना लास्ट सीजन है, इसके बाद गाइज यार कोई भी सीजन नहीं आएगा, पोस्ट गेम आएगा, बट ये अपने अलोला रीजन का लास्ट सीजन है। जी हाँ गाइज यार, क्या कर सकते हैं, पोस्ट गेम में बस पोस्ट गेम में कौन सा भी सीजन नहीं रहेगा, मैं सीजन का जो अपना हेडिंग रहती है थंबनेल में वो निकाल दूंगा सीजन पोस्ट गेम के टाइम, पोस्ट गेम भी इस गेम का आने वाला है, देखते हैं गाइज यार, क्योंकि यार इसके बाद अभी कोई भी चीज़ें मुझे टेक केयर करनी नहीं है इस गेम में, मतलब कि जब गलर का अपडेट आ जाएगा तब हम उसे खेलेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं कह दूँ आप लोगों से कि यस सीजन लास्ट अलोला सीजन है ये, एंड इसके बाद कोई भी नहीं आने वाला है, जैसा कि मैंने देखा था कि इसके इस एपिसोड के बाद से ही यहाँ पे जब हम रॉयल मास्क जो का है ना गाइजर मास्क मैन, उसके साथ हम गाइजर बैटल करते हैं, तभी शायद हमारा जो है वो सीजन 22 से स्टार्ट हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा गाइजर, मतलब कि पिछले ही हफ्ते हमने स्टार्ट कर दिया था अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर सीजन 21, एंड यस सीजन 22 भी स्टार्ट हो चुका है मंडे के दिन, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पर हमारे लिए। तो फिलहाल के लिए गाइस ना यहाँ पर मैं भी चलता हूँ सीधा इस स्टेडियम में देखने के लिए गाइस यार, तो ये गेम कॉर्नर है, यहाँ पर तो नहीं जाना है हमें, बट यहाँ पे जाना है हमें, तो देख लेते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी। ओके बैटल रॉयल डोम, और सेव कर लेता हूँ मैं रॉयल एवेन्यू में, एंड लेट्स डू इट गाइस। ओके सो यहाँ पर एक दादी माँ खड़ी है, ओके मास्क रॉयल है, किसी को भी पता नहीं है, एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। ओके और सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं गाइस। ओके तो चलो हम कियावे नहीं तो स्वप्लक्स, तो आज ने शायद कियावे के साथ पार्टनरशिप की थी, तो हम भी गाइस यार कियावे के साथ की रहेगी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने बस जो है वो थंबनेल देखा था पोकेमॉन्स का कि ऐश एंड कियावे के साथ बैटल करते हैं एंड रॉक्स मास्क मैन एंड स्वप्लक्स। तो चलो गाइस यार हियर वी गो, थ्रू द गेमर वर्सेस मास्क रॉयल, मास्क रॉयल पोकेमॉन ट्रेनर स्वप्लक्स। ओके स्वप्लक्स, स्वप्लक्स यार स्वप्लक्स कुछ भी बोल दो इसे यार, हम सॉफ्ट बोलने की से सॉफ्ट बोलने के यार इसे राधा सॉफ्ट। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी मैं इसको दे देता हूँ इंसिनेरेटर को, यहाँ पर हम दे देते हैं एक लेवल 33 का है, एक थंडर बोल्ट एंड देन द चार्जर बुक को शायद मैरोवैक टेक केयर कर ही लेगा। ओके तो यस सारे के सारे को जो है यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है अच्छी खासी, लेवल 30 के ऊपर शायद जा चुके हैं। सो यस फ्लेयर ब्लिट्स दे दिया है हमने, नहीं मैरोवैक ने दे दिया था यहाँ पे कियावे के, तो मुझे लगता है ना इसने अपना चार्जर जो है वो उधर ही रख के आया होगा रॉयल जो हमने देखा था वहाँ पे। तो चलो गाइस ना यहाँ पर तो पैरालाइज हो गया यहाँ पे मैरोवैक, बट कोई बात नहीं यार यहाँ पर मैं अभी क्विक अटैक देकर इसे ख़त्म कर देता हूँ इसकी कहानी। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी देते हैं क्विक अटैक एंड दैट्स इट, हमने यहाँ पे हरा दिया है गाइस यार चार चबक को एंड हमने यहाँ पे जीत लिया है इस बैटल को भी गाइस। तो चलो अभी यहाँ पे सकर पंच सीखना चाहता है, तो सकर पंच के बदले में प्लग का ज़्यादा है कि पेक का ज़्यादा है, प्लग 60 एंड पेक 35, तो पेक ही भूल जाता हूँ मैं यहाँ पे, पेक का बचपन मतलब यार जब से हमें मिला है रॉबलेट तब से वो सीखा हुआ है, तो उसके अभी फिलहाल मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने हरा दिया गाइस इस मास्क मैन को, बट पता नहीं गाइस आयश इसे हराता है या नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मैंने कोई भी सीज़न देखे नहीं है सीज़न 14 के बाद से,
तो चलो गाइस यहाँ पर शायद हम वो जीत जाते हैं, एश भी जीत जाता है वो बैटल। तो यस हमें कोई ये अनसॉल्व मिस्ट्री थी एंड वो अनसॉल्व मिस्ट्री रहेगी कि पता नहीं यार मास्क बैटल के मास्क रॉयल के पीछे किसका ये जो है वो चेहरा था। बट चलो गाइस कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे मैं चले जाता हूँ सीधा यहाँ से अपने आगे के सफर की तरफ, जो कि होगा यहाँ से हमें जाना है अपने घर की तरफ। यस याद है यहाँ की चीज़ें जो है वो टेक केयर हो चुकी है। ओके इस दिस इज द कटिंग ट्री। ओके तो ये कटिंग ट्री नहीं था, बस पता नहीं यार क्या था ये। बट फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पर हमें चले जाता हूँ सीधा घर के लिए अपने। ये टीम स्कल क्या कर रही है यहाँ पे, एंड ये लोग तो यार मुझे जाने का रास्ता भी नहीं दे रहे। फिर एक बार मैं ये ना गाइस ये मेले मेले फॉरेस्ट में एक बार चेक कर आ जाता हूँ, बट वो लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे थे, मुझे कोई गाइस यार आइडिया नहीं है वो लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे थे। मतलब कि यार मैंने कुछ उनका बिगाड़ा भी नहीं है। हाँ उनके शायद पहले जो था ना वो हमने पहले एपिसोड मुझे लग रहा है यार जब अलोलो का स्टार्ट हुआ था तब मैंने हराया था। ओके यहाँ पर प्रोफेसर किया हुए है, बट मुझे लगता है कि वो शायद ये ग्लिच होगा इस गेम का। यस डन एक्सप्लोरिंग शायद ये पहला ही एपिसोड का जो है कोई उनको शायद हटाया नहीं होगा, शायद फिर कभी हमें आना नहीं होगा। तो गेमर्स क्रिएटर्स ने ये भी यही सोचा कि इनको वही रहने देते हैं, एडिटिंग के दौरान वो निकालना भूल गए होंगे। तो फिलहाल के लिए लगा यार मैं यहाँ पे अपना बिग ब्रेन इस्तेमाल करता हूँ। आपको तो पता ही है पेन्यूलर रन से ना एक यहाँ पे बोट दी जाती है हमारे लिए सेलर, जो कि लेके जाता है हमें हाउली सिटी के लिए। तो मैं ना अभी उसका इस्तेमाल करता हूँ। रॉयल एवेन्यू में तो कुछ भी नहीं है, तो अरे यार मैं गलती से आ गया फिर से। टैन कॉरेट में जाना है क्या, नहीं टैन कॉरेट में भी नहीं जाना है। मतलब कि यार यस मुझे लगता है ना कि अभी उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने बिग ब्रेन का। तो मैं एक बार वो ट्राई करके देखता हूँ, अगर वो गलत निकला तो मैं मुझे कोई और रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है, शायद मुझे पीछे कोई चीज़ें छूट गई होंगी। तो फिलहाल के लिए गाइस यार हम डायरेक्ट लैंड होंगे, लैंड नहीं हम डिपार्ट होंगे गाइस यार यहाँ से सीधा हाउली सिटी के लिए। तो मैं वहाँ पर हाउली सिटी के लिए, तो यस हाउली सिटी में हम आ चुके हैं। एंड आई गेस सो कि यहाँ पर मुझे कोई भी यहाँ पे इंटरप्शन नहीं होगा टीम स्कल का, हम आसानी से अपने घर पर पहुँच जाएंगे। आई होप सो, अभी तक तो नहीं आया है एंड नहीं आएगा। चलो यार ये सब तो अभी नॉर्मल बैटल्स है टीम स्कल के साथ, तो चलो ये जरिए अच्छी बात हो गई कि हमारा बिग ब्रेन जो है वो काम आ गया है इस बार। तो फिलहाल के लिए इन लोगों को भी मैं हरा देता हूँ। तो मैंने इन दोनों को हरा दिया है गाइस यार, यहाँ पर अभी ऊपर चलकर देख लेते हैं। ओके तो ये कौन है, यो आई एम गोइंग टू, मैं इस सब पंक को प्ले करने वाला हूँ जो कि तुमने मुझे पहले बच्चे होकर हराया था। चलो रेडी हो जाओ, ओ तुम इतने डम है तो मुझे हरा के दिखाओ। ओके तो ये कौन है, टीम स्कल टप रैप एंड जिप। ओके रैप एंड जिप है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए ये बैटल भी मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर लेता हूँ एंड देखते हैं गाइस अभी नेक्स्ट पोन इसका कितने पोकेमॉन, शायद तीन पोकेमॉन थे उसके पास, गार्बोड और है एंड वो भी चले गया, शायद दो ही थे आई गेस सो। ट्रेवर थोड़ी तरीका भी जा चुका है गार्बोड और, यस तीन थे यहाँ पे लास्ट अप विद द जुबैट। तो चलो गाइस यहाँ पर हमने हरा दिया है गाइस यार इस टीम स्कल के, दोस्तों यार ग्रंट्स भी बोल सकते हो वरना इनसे पता नहीं है कौन था। यस जैप और जिप और रप। तो चलो यार यंगूस चार पोकेमॉन थे शायद इन लोगों के पास टोटल, तो इन चारों को तो हमने हरा दिया है गाइस एंड दैट्स इट। नो वे हम ऐसे ही भाग रहे हैं अभी भी। हे मेरी मदद करने शुक्रिया, मुझे पता नहीं ये मेरी जरूरत नहीं थी बट ये अच्छा एक्टा कि मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हें रिपे करता हूँ। ओके ईवीएम जेड मिल गया, पता नहीं यार जेड वो मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा। मेरी मदद करने शुक्रिया, मैं यहाँ मुझे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है बट मैं यहाँ का ही ग्रेजुएट हूँ और मुझे बाद में फिर से मिलना कुकी की मुझे बात करनी है। उन्होंने मुझे कहा था कि अलोला लीग सेटअप हो रही है, तो उन्होंने मुझे कैलोज लीग में ट्राई करने के लिए कहा। अलोला लीग, शायद हम अलोला लीग में भी गाइज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ गाइज, आई नो शॉर्ट एंड सिंपल एपिसोड था बट यहाँ पर वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आई गेस सो आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो एंड अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबा देना, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज एंड मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो खैर आज की वाली इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए गाइज यार। ओके चलो वाटर स्ट्रॉन्ग कहना फिलहाल मैं एक बार सो लेता हूँ एंड देखते अगला असाइनमेंट क्या है, देख लेते गाइज यार। ओह मैंने सुना कि अल्ट्रा बेस्ट वंडर कर रहा है इस आइलैंड में, चलो तुम फिर से फाइंड कर पाते हो या नहीं एंड उस अल्ट्रा गार्डियन को। ओके यूजिंग माय स्कैनर आई फाउंड आउट अननोन पोकेमॉन इनसाइड द पोकेमॉन स्कूल। ओके तो पोकेमॉन स्कूल के अंदर है बट हम वो गाइस यार कल ही ऑब्टेन करेंगे। तो चलो गाइस यार गुड बाय।